प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं। वहां पर लगातार भारतीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। होटल के बाहर कई भारतीय इंतजार कर रहे थे। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने उनसे बातचीत की, जरा देखिए और सुनिए कैसी उत्सुकता उनमें पीएम को लेकर है। सभी को जय हिंद। पूरी तैयारी है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बता रहे हैं शाम की पूरी तैयारी है। आज आप बताएं क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है, आप लोग वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पहले हम मोदी जी का दर्शन करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो देख रहे हैं आप एक प्लस, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, ब्रांडेनबुर्गर गेट बोलते हैं उसका, बर्लिन का गेट। तो यहाँ पे सुबह 9:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक यहाँ पे पूरा कल्चरल परफॉर्मेंस होने वाला है। कल्चरल परफॉर्मेंस में क्या क्या करने वाले हैं आप लोग? होने वाला है ढोल ताशा, ढोल ताशा, गरबा, बतुकामा, फिर भांगड़ा होने वाला बच्चे है। बच्चे संस्कृत में पाठ भी करने हाँ बच्चे संस्कृत में पाठ कर रहे हैं। और पूरा इंडिया का जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है ना, वो पूरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो असल का डिप्लोमेसी है वो मोदी जी वहाँ पार्लियामेंट चांसलरी में बैठ के करेंगे। उसके आगे चांसलरी है और यहाँ पे ब्रांडेनबर्ग गेट में आप कह रहे हैं पूरा आप लोगों का ढोल ताशा और लेजिम बहुत सारे है। और इसमें कम से कम 25-26 इंडियन एसोसिएशन जो है यहाँ पे, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, तमिलनाडु, केरला, सभी ने एक साथ होके, एकजुट होके पीएम मोदी को यहाँ पे वेलकम करने की हमने यहाँ पे पूरी तैयारी की हुई है। कई घंटों की कह रहे हैं वो यहाँ पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया की जिसे वो कह रहे हैं। आप लोग अब तो टाइम पास आ गया, आपकी तो डांस परफॉर्मेंस भी है। यस यस, तो हम शिवाजी महाराज का एक डांस करने वाले हैं एंड इट इज लाइक वी आर वेलकमिंग शिवाजी महाराज बिकॉज वी सी मोदी जी एज आवर सुप्रीम लीडर एंड वी आर वेलकमिंग हिम एज वी वेलकम आवर ओन लीडर ऑफ महाराष्ट्र। सो अंदर होटल लॉबी में ये लोग जा रहे हैं क्योंकि कुछ दिन में इनकी मुलाकात होने वाली है। आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा, उनके लिए हमने भी गरबा परफॉर्म किया है। ब्रांडेनबुर्ग गेट पे आप भी परफॉर्म कर रहे हैं? या कौन सा डांस? गरबा डांस, गरबा, डांडिया एंड गरबा। डांडिया के साथ? यस यस, गुजरात वाला टच आ गया, गुजरात वाला आ गया, बिल्कुल आ गया। मोदी जी आ रहे तो गरबा तो होना चाहिए। बहुत एक्साइटेड है इसलिए हम लोग यहाँ पे सवेरे 4 बजे उठ के आके खड़े हुए हैं और हम काफी वेट कर रहे हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी के बारे में क्या सोचा? मोदी जी के बारे में, जी मोदी जी का नाम जब आता है तो हमको काफी गर्व फील होता है। यहाँ पे जर्मनी में बैठे बैठे हमको उनके बारे में डिस्कस करने में काफी अच्छा लगता है और हमको अपने घर वालों के बारे में भी काफी अच्छा लगता है कि भाई हमारा देश बहुत सुरक्षित हाथों में है अभी। अच्छा, ऐसा लगता है आपको? यहाँ पे लड़कियां भी हैं, महिलाएं भी हैं, आप बताएं कितनी एक्साइटेड? एक्साइटेड, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। और मतलब जो पहले कभी इसे नहीं था कि भारतीय होने का जो एक प्राइड होना चाहिए वो हम बहुत आया है अभी और बहुत अच्छी चीज है वो। आपके पास आते ही मुझे लगता है कि अब जयकारा होगा। भारत माता की जय।